नमस्कार दोस्तों, मैथिली बुटीक में आज एक और बेहतरीन यूनिक डिज़ाइन लेकर आए हैं जिसको आप ट्राउजर, स्लीव्स या फिर सलवार किसी में भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ से ये ओपन है और दूसरी साइड से ये क्लोज है, यानी कि डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी लंबाई नीचे मोहरी वाली साइड से रखी हमने 18 इंच। हमें 6 इंच तक मोहरी तैयार करनी है तो करीबन 12 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है जितनी भी आपको रेडी करनी है। अगर आप स्लीव्स के लिए बना रहे हैं तो देखिए जितना भी स्लीव्स है उसे 4 इंच एक्स्ट्रा पोर्शन आपको ले लेना है क्योंकि हमें ये अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब यहाँ साइड से हम निशान लगाएंगे करीबन 4.5 से लेकर 4 इंच तक आप भी आप ले सकते हैं, जितना एक्स्ट्रा लिया था उतना ले सकते हैं। अब इसको आपको फोल्ड करना है यहाँ से और इसमें सिलाई लगा देनी है, पूरे पोर्शन में आपको सिलाई लगा देनी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए दोस्तों आपको किसी भी तरह की बुकरम पेस्टिंग का कोई भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसे हम तैयार कर लेंगे। अब हमें डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ मार्किंग करनी होंगी, जिसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस पेपर का एक तरह से गत्ता टाइप जो हमारा वो लिया है, आप चाहे तो बुकरम भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है 1 इंच से थोड़ा से ज़्यादा पर मार्किंग कर लीजिए, यहाँ पर 1 इंच से थोड़ा सा कम ले लीजिए और इस तरह की शेप इसमें डाल दीजिए। कट कर देंगे इसको, ऊपर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको कट कर दीजिए। कुछ इस तरह की शेप दोस्तों हमारी निकल करके आ जाएगी। यहाँ पर इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको 1 इंच छोड़ना है पहले और फिर 2-2 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है अपनी मोहरी वाले पोर्शन पर, और पूरे में आपको इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है 2-2 इंच का गैप छोड़ते हुए। अब जो हमने पैटर्न कट किया था उसकी मदद से इस तरह से आपको चौक की मदद से यहाँ पर लहरिया बना देनी है। इस तरह से पैटर्न कट करने से पहले ही ये लहरिया बनानी काफ़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि सिंपल हाथ से बनाएंगे तो ये काफ़ी मुश्किल होगा बनाना। आप देख सकते हैं एक लेयर हमने बना दी है। अब जो दूसरी वाली लेयर होगी वो करीबन 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए आप इस तरह से बना दीजिए। अब तीसरी वाली लेयर भी आपको इसके ऊपर बनानी है कुछ इस तरह से सेम फासला रखते हुए। अब इनको सभी को आपको कर देना है। देखिए हमने इनको बना दिया है, बहुत ही अच्छे से ये तैयार कर ली हैं। अब हम यूज़ करने वाले हैं इस तरह के बीड्स का, बड़े साइज़ वाले। आपके पास जो भी बीड्स अवेलेबल हों आप उनका यूज़ कर सकते हैं। सुई धागे की मदद से देखिए यहाँ पर आपको बड़े बड़े टांके लगाने शुरू करने हैं और यहाँ पर आते ही आपको धागे को नीचे की तरफ लेके जाना है और नीचे की तरफ ले जा कर के आपको बीड्स को अटैच करना है, क्योंकि जो नीचे वाली साइड है वही हमारी सीधी वाली साइड है, बाकी जहाँ मार्किंग की है ये हमारी उल्टी वाली साइड है। इस तरह से अब ये वाला आपको छोड़ देना है, एक छोड़कर एक आपको जो बीड्स हैं उनको लगाना है, लगातार बीड्स नहीं लगाने हैं। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, इस पूरे पोर्शन में जो धागे की लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा रखनी है, जितनी आपकी मोहरी वाले पोर्शन की चौड़ाई है उससे भी और भी एक्स्ट्रा लेकर आपको चलना है। देखिए एक लेयर को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, अब सेम तरीके से दूसरी वाली लेयर को बनाने जा रहे हैं। इसी लेयर में भी आपको सेम ही काम करना है, जहाँ पर पहले वाले में बीड्स अटैच हुए थे वहीं पर दूसरी वाली लेयर में भी बीड्स को लगा लेना है। दोस्तों इनको लगाते टाइम एक बात और ज़रूरी ध्यान रखें, पूरे पोर्शन में कहीं पर भी आपको नोट यानी कि गांठ नहीं लगानी है, नहीं तो ये धागा बाद में खिंचेगा नहीं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और साथ में धागे की लंबाई खूब सारी लेनी है ताकि पूरे पोर्शन को एक ही बार में सिला जा सके। एक लेयर की बात कर रही हूँ मैं, अलग अलग लेयर के लिए धागे की लंबाई आप अलग अलग ले सकते हैं। इसके साथ ही जो टांके आप लगाएं वो बड़े बड़े लगाएं, छोटे ना लगाएं। इसी तरह से हमने इन तीनों लेयर्स को कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत की है इसको बनाने में दोस्तों, तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जो धागे हमने यहाँ पर हैं इनको खींचना है, कुछ इस तरह से हल्के हल्के खींचना है। तीनों को एक साथ खींचते हैं तो ज़्यादा नहीं खींचता है ये, तो इसलिए आपको एक एक करके इनको खींच लेना है। एक एक करके खींचेंगे तो काफ़ी जल्दी ये खिंचाव में आ जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना खींचे, धागा टूट गया तो वहीं पूरा का पूरा डिज़ाइन बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कुछ पोर्शन दूसरी वाली साइड से खींच लीजिए, कुछ पहले वाली साइड से खींच लीजिए और इसको अच्छे से
इस तरह से पूरे में सेट कर दीजिए। अब जो दूसरे वाला धागा है उसको खींच लेंगे और फाइनली आप देख सकते हैं सभी धागों को खींचने के बाद कुछ इस तरह का हमारा ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। और सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है और जो भी आपकी मोहरी वाला पोर्शन आपको लेना है चौड़ाई, उस पर मार्किंग करके यहाँ पर अपनी फिटिंग वाली सिलाई डाल दीजिए। अगर आप इसको स्लीव्स के लिए बना रहे हैं तो ऊपर वाले पोर्शन में भी प्लेट्स बनानी होंगी। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है और सिर्फ बीड्स का इस्तेमाल करके हमने इसको बनाया है। और आप बाजू में पहनने के बाद भी देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत बन करके तैयार हुआ है। बाजू के लिए अगर आप टॉप वगैरह बना रहे हैं तो उसमें बहुत खूबसूरत लगेगा स्टाइलिश टॉप के साथ। और इसके साथ ही अगर आप सलवार में बनाना चाहते हैं और इस तरह की सलवार की कटिंग सीखना चाहते हैं तो ये अफगानी टाइप सलवार के लिए बना सकते हैं। उसकी कटिंग स्टिचिंग का पूरा वीडियो हमने डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिर भी वीडियो ना मिले तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे बेहतरीन डिज़ाइन हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। सलवार वाला पोर्शन भी आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से हमारे पैरों में पहनने के बाद ये कैसी लग रही है आप देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।